दोस्ती मोटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय दोस्तों, दोस्ती मोटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम अली भाई की गाड़ी है उस पर वो करने वाले प्रोसेस, जो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था रेडी वॉश का, तो अनिल भाई उनको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे पास आए। क्या मुश्ताक भाई, जाहिद भाई, मेरे को भी ये करना है, गर्मी का मौसम लग गया है, तो हम उनसे बात करते हैं कि क्या क्यों करा रहे हैं, किस लिए करा रहे हैं। अनिल भाई बताइए किस लिए करा रहे हैं। रेडिएटर चौकअप हो गया है तो उसकी लाइन क्लियर करने के लिए रेडिएटर की सर्विस करा रहे हैं, और लाइन अभी हीट बहुत ज़्यादा मार रही है, मौसम की गर्मी के हिसाब से गाड़ी ज़्यादा गर्म हो रही है, तो उसके हिसाब से हम रेडिएटर सर्विस करेंगे, वो बताएंगे रेडी वॉश हम आपको वीडियो में बताएंगे आगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। वो तो आपको पता ही होगा, वीडियो में आपने देखे होंगे, फिर भी हम एक बार आपको दिखा देते हैं। तो जाहिद भाई देखिए, उसको भी हम लोग साफ़ करते हैं, जाहिद भाई भी उसको साफ़ कर रहे हैं गद्दे को। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हाफ ग्रीसिंग भी हम लोग कर रहे हैं, मुरस्तर भाई इसका कर रहे हैं, देखिए पूरा एकदम धो धा के कंप्लीट करके देख सकते हो आप, एकदम क्लीन करके इसका हाफ ग्रीसिंग भी कर रहे हैं। दोनों साइड का हाफ ग्रीसिंग हो गया है इसका, और ये एक साइड का बाकी है, दोनों साइड का हम लोग कर रहे हैं, एक साइड का हो गया अभी, एक साइड का बाकी है, ये मुरस्तर भाई कर रहे हैं। ये हनीफ भाई की गाड़ी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम प्रोसेस रेडी वॉश का। तो देख सकते हो दोस्तों, ये है हमारा रेडी वॉश और ये है कूलेंट, जिसमें ब्लू कलर का आता है, हरे रेडी वॉश है, हम लोग इसको मिलाएंगे, जाहिद भाई इसके अंदर पानी डालेंगे आधी डोल, थोड़ा साफ कर लो पूरा क्लीन करके, ज़रा भी इसमें कचरा नहीं रहना चाहिए पानी के अंदर, और जिसमें आप बनाओगे डोल के अंदर पानी भी एकदम साफ रहना चाहिए। आधी आधी डोल इसको भरेंगे हम लोग, फिर आधी डोल भरने के बाद हम रेडी वॉश डालेंगे। देख सकते हो दोस्तों आधी डोल हम लोग ने भर दिया है, एक लीटर रेडी वॉश आता है इसके अंदर, एक लीटर पूरा पूरा डाल देंगे हम लोग, तो एकदम इंजन का और रेडिएटर का भी एकदम क्लीन हो जाएगा, जो भी है काट जंग जो भी पकड़ा हुआ है वो हम लोग डाल देंगे। तो एक लीटर पूरा हम लोग डालेंगे इसके अंदर, जाहिद भाई इसको डाल रहे हैं एक लीटर पूरा, देख सकते हो पूरा डाल दो, पूरा डाल दो, पूरा डाल दो, इसके पहले हम लोगों ने आधा लीटर डाला था, अभी हम एक लीटर डाल के चेक कर रहे हैं पूरा, क्या रिजल्ट आता है फिर देखते हैं। अभी इसको हम हलाएंगे हाथ डाल के, देखिए दोस्तों अब थोड़ा उसके अंदर डब्बे के अंदर डालेंगे, जाहिद भाई जो ये डब्बा पड़ा है इसके अंदर थोड़ा डालेंगे हम लोग, उसको डाल के साइड पर रख देंगे, फिर इसका पहले इसका प्रोसेस करेंगे हम लोग, इसको एक लीटर डाल के थोड़ा हला लीजिएगा, फिर उसके बाद गाड़ी में डालो। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी डब्बे में डाल के फिर गाड़ी में डालते हैं रेडिएटर में, फिर हम लोग गाड़ी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये टेम्परेचर स्विच आता है उसको बाहर निकालिएगा, यहाँ पे टेम्परेचर स्विच लगता है उसको निकालिएगा, तो उसके बाद रेडी वॉच उसके अंदर से डालिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग डालते हैं रेडी वॉश। तो दोस्तों हम लोग डालते हैं इसके अंदर, पहले इसको हटा देते हैं साइड पे, तब तक यहाँ जहाँ टेम्परेचर स्विच है यहाँ से अगर नहीं निकलेगा तब तक डालते रहिएगा।
ऊपर सीट के पास से निकल रहा है। अब हम उसको लगाते हैं कंप्यूटर स्विच। फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी चालू करेंगे। दोस्तों उसको ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए, तो ज़्यादा टाइट करते हैं तो ये टूट भी सकता है टेम्परेचर स्विच। सिर्फ हल्का सा टाइट करनी है। तो अब टेम्परेचर स्विच का सॉकेट कपलर लगाते हैं, फिर अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो इसका काट निकल रहा है इंजन का। तो हम लोग उसको पाँच मिनट तक उसको चालू रखेंगे, 5-10 मिनट तक, जब तक पूरा काट नहीं निकल जाता इंजन का, पूरा कचरा क्लीन नहीं हो जाता जब तक। देख सकते हो आप धीरे धीरे पूरा लाल हो रहा है, पीला हो रहा है। चलिए दोस्तों 5 मिनट इसको चालू रखते हैं, फिर इसका रिजल्ट देखते हैं। ये नया गाड़ी है, इसके लिए इतना इसमें कचरा नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा काट निकल ही रहा है इसके अंदर। तो हम लोग 5 मिनट इसको चालू रखेंगे, फिर इसका रिजल्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों तो दोस्तों देखिए जितना भी इसका खराब पानी है सब बाहर फेंक रहा है, देख सकते हो आप पूरा क्लीन कर रहा है इसको। तो चलिए दोस्तों हम लोग उसको बंद करते हैं गाड़ी, फिर इसका पानी निकालते हैं। तो चलिए इसका पूरा पानी बाहर निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों कितना खराब पानी निकल रहा है, आधा तो ऊपर से फेंक दिया था उसने खराब पानी, सबसे ज़्यादा जो खराब पानी था वो ऊपर से फेंक दिया था उसने यहाँ से। अब हम लोग सादा पानी डाल के उसको चालू करके पूरा क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कूलेंट डालेंगे। तो चलिए सादा पानी डाल के हम लोग उसको क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर रेडिएटर का जो कूलेंट है ब्लू कलर का वो हम लोग डालेंगे। देखिए दोस्तों हम लोग ने सादा पानी इसके अंदर डाल दिए, एकदम क्लीन वाइट हो गया है देख सकते हो, फिर भी थोड़ा है उसके अंदर, इसीलिए हम लोग सादा पानी डाल के उसको क्लीन करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग उसका पानी निकालते हैं, फिर हम लोग इसके अंदर कूलेंट डालते हैं। तो हम लोग ने इसके अंदर पानी डाल दिया है सादा, देख सकते हो आप। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था पहले आप पानी डालिएगा उसके बाद कूलेंट डालिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग कूलेंट डालते हैं उसको निकाल के। उसका सील पैक ही रहता है लेकिन हम लोग ने खोला हुआ है। डालो जाहिद भाई, तो जाहिद भाई डालेंगे। देखिए यहाँ से निकल रहा है एयर,
देखिए दोस्तों ब्लू पानी आ गया है, देख सकते हो आप। अब जो थोड़ा रहेगा वो सेंडर डालेंगे, इसको ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है बस। तो हम लोग अभी थोड़ा पानी डालेंगे उसके अंदर। ये दोस्तों एकदम क्लीन हो चुका है पानी, ज़रा सा भी कचरा नहीं है, ज़रा भी कचरा आपको दिखना नहीं देती है, पूरा वाइट वाइट हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपके तमाम दोस्तों में शेयर करिए।